हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखा कि सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, इस वीडियो में बताऊँ कि आप कैसे सब डोमेन के लिए साइड मैप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे और कैसे आप बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट की तरह डोमेन रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने सब डोमेन पे, जैसे कि हर एक मल्टीपल कैटेगरी के लिए, लाइक मूवी, हिंदी लैंग्वेज पे एक पर्टिकुलर ब्लॉग्स आपने बना रखा है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको लाइव डेमो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू कर दे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो यार। देखिए, जैसे कि मैं गूगल पर यहाँ पर टाइप किया ndtv.com, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव डेमो ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो ये NDTV की वेबसाइट ओपन हो गई, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे इन्होंने सब डोमेन क्रिएट कर रखा है। जैसे कि मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए khabar.ndtv.com आ जाएगा, ठीक है, जिस पे मिलियंस में ट्रैफिक है, देख सकते हो इस सब डोमेन पे, राइट। अब मान लो कि किसी को भी मूवीज़ पे जाना है तो मूवीज़ के लिए अलग से यहाँ पे एक सब डोमेन ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मूवीज़ पे क्लिक किया तो अभी ये मूवीज़ का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मूवीज़ के नाम से आएगा, देखिए movies.ndtv.com, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये बताया था यस्टरडे को कि आपको कैसे क्रिएट करना है सब डोमेन, राइट। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे कि साइट में सबमिट कैसे करना, ये हमारा मेन मुद्दा है पहले, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे अभी रिमूव कर देता हूँ, विंडो को क्लोज कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि रीडायरेक्ट का मतलब क्या था और इस तरह से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे करना है, हमें भी बताइए, नहीं आता है, ठीक है। आप भी इस तरह के कैटेगरी अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो मैं इसे भी यहाँ पे बैक कर देता हूँ, इतना काफ़ी आपको समझाने के लिए, राइट। ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि ये रहा मेरा मेन डोमेन, ठीक है, indianewsfast.in। और एक और क्वेश्चन सबके मन में था कि देखिए मुझे दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ेगा एडसेंस का अगर हमने सब डोमेन क्रिएट किया, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम अप्रूवल लेना है एडसेंस का, ठीक है। जैसे कि मेरा मेन डोमेन है indianewsfast.in, ठीक है, इस पर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है आज से 6-7 महीने पहले, ओके। अब क्या करना है, मुझे सब डोमेन क्रिएट करूंगा, जैसे कि देख सकते हो ये रहा मेरा सब डोमेन hindi.indianewsfast.in। चाहे मैं यहाँ पे 50 सब डोमेन भी क्रिएट करूँ, नो मैटर, एडसेंस का अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, नो नीड एडसेंस एनी मोर। जो आपका पहले से एडसेंस अप्रूवल है वही एड कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देना है, बिकॉज ये डोमेन जो है ना आपका सेम है, ठीक है, बस ये सब डोमेन हमने क्रिएट किया है। तो सब डोमेन के लिए आपको दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप ध्यान से, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ठीक है। मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था पिछली वीडियो में भी कि सब डोमेन के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, आपका मेन डोमेन पे अप्रूवल होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो ठीक है, ये हो गया। आप चलिए मैं इसके लिए बताता हूँ कि साइड मैप सबमिट कैसे करना है। तो साइड मैप सबमिट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे गूगल वेब मास्टर टूल पे, ठीक है, जैसे कि जानते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ गया गूगल सर्च कंसोल में। तो अभी देखिए आपको साइड मैप सबमिट करना, तो करना क्या होगा, ये 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना था, यहाँ पे क्लिक करना और ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे अभी यहाँ पे डोमेन ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए URL जो लिखा है प्रीफिक्स पे, यहाँ पे आपको ना अपना सब डोमेन ऐड करना है, जैसे कि ये वाला मेरा है, ठीक है। तो मान लो अभी ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है, ठीक है। तो इन केस में मैं क्या करूँगा, ये गूगल का ले लेता हूँ, ठीक है, ये मान लो जस्ट डेमो दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये google.com कॉपी किया मैंने और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट किया, देन कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए आपको किस तरह से वेरीफाई करना, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, सिंपल सा, ठीक है, ये आप सबको पता होगा, फिर भी देख लीजिए, बस कुछ सेकंड लगेंगे, ज़्यादा टाइम लूंगा मैं। तो HTML टैग है, तो ये वाला कोड आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जाना है आपको फिर से, ये रहा आपका जो सब डोमेन है उसका डैशबोर्ड, ठीक है। आपको wp-admin में जाकर पहले लॉगिन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने दोनों लॉगिन कर रखा था कि आपको समझा पाऊँ। उसके बाद आपको Yoast SEO प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, आप जानते होंगे, प्लगइन में जाना है यहाँ पे और ऐड न्यू पे क्लिक करके Yoast SEO प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये वाला जरा आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं अभी तक इंस्टॉल किया तो Yoast SEO, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, जिसमें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ और ये आपको भी करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। SEO वगैरह हमें करना नहीं है वैसे, फिर भी ये इंस्टॉल करके रख लेना आप, ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है। देन आपको नीचे आना और देख सकते हो यहाँ पे साइड बार में ये Yoast का मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दिखाता हूँ आपको। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको ये जो है ना SEO सेटिंग कॉन्फ़िगर, ये भी क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे जाके आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सेटिंग मैंने बता रखा है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये भी देख ले, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। जस्ट देखिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट लाइव है तो ये फर्स्ट वाला चूज़ कर लेना, जो जो मैंने किया वही करना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूँ क्विकली यहाँ पे। देन यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ चैनल या ऑनलाइन शॉप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट ये देखिए पर्सन, तो ये आपका अपना आ जाएगा नाम वेबसाइट का, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। देन नेक्स्ट कर देना है, नहीं आया तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो आप। देन यहाँ पे यस कर देना है, सर्च इंजन विजिबिलिटी है, पोस्ट पेज वगैरह, देन नेक्स्ट करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑथर नो, और फिर नो पे क्लिक करना है,
देन आ जाना यहाँ पे, देखिए ये वाला चूज कर लेना ठीक है। गूगल में किस तरह से देखना चाहिए वेबसाइट का नाम, तो मैं ये वाला चूज कर रखा हूँ सिंबल, देन नेक्स्ट कर देना आपको ठीक है। हेल्प ये हमें नहीं चाहिए, देन नेक्स्ट करते ठीक है। आई डोंट वांट टू अलाउ, ये कर देना आपको क्लिक, देन नेक्स्ट कर देना ठीक है गाइस। उसके बाद क्लोज कर देता हूँ मैं, तो ये है सिंपल सा सेटिंग इसका। क्लोज विजार्ड कर देंगे यहाँ से, क्लोज पे क्लिक किया ओके। तो ये फाइनल यहाँ पे हम हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेब मास्टर टूल पे आना है ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए गूगल वेरिफिकेशन कोड मिलेगा ठीक है, इस तरह से जो मैंने यहाँ पे पहले से प्लेस कर रखा है, जो अपने मेन वेबसाइट का था ये हिंदी जो सब डोमेन था सॉरी hindi.indianewsfast.in, ये मैंने पहले से कर रखा है, तो आपको बस बताने के लिए मैंने दोबारा किया है। तो यहाँ पे वो कोड जो आप यहाँ से कॉपी करोगे ना, ये वाला जो HTML टैग का, यहाँ पे पेस्ट करना है ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस करना है, और 15 सेकंड के बाद दोबारा आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए वेरीफाई पे क्लिक कर देना ठीक है। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये करने से भी नहीं हो तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ ठीक है। दूसरा मेथड तो ये रहा, देखिए गूगल वेरिफिकेशन कोड है, तो यहाँ पे क्लिक करना है गूगल सर्च कंसल्ट ठीक है। आपको डायरेक्ट ये ओपन कर देगा गूगल मास्टर टूल का वेब ऑफिशियल वेबसाइट ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो आपने पहले से अपना मेन डोमेन जो साइन अप सबमिट किया था ठीक है, वही वाला। तो जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना, जैसे कि मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए ठीक है। तो खैर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे आप साइन अप सबमिट कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगा ठीक है। तो वेरीफाई होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे साइड मैप पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है साइड मैप डॉट XML ठीक है, देन सबमिट कर देना है। तो देखिए तो सबमिट हो रहा है, एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे ये साइड मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसा कि देख सकते हो डिस्कवर URL जो लिखा हुआ है। अगर आपका नहीं हो सबमिट तो मैं बताता हूँ क्या करना है ठीक है। तीसरा मेथड आपको जाना है यहाँ पे फिर से प्लगइन में ठीक है, और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सारे मेथड बता देता हूँ आपको ठीक है, बाद में क्योंकि कोई क्वेश्चन पीछे ना रह जाए और बाद में आप लोग कमेंट करके पूछो। तो ये देखिए सर्च प्लगइन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको गूगल XML ये वाला ठीक है। एक्चुअली ये साइट मैप जनरेट करता है और ये ऑफिशियल गूगल का है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हो ये वाला, देख लिया आपने गूगल XML साइट मैप। तो इसे इंस्टॉल कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हो चुका है, आपके केस में नहीं हो तब ठीक है। तो ये हो गया साइड मैप सबमिट करने का मेथड। चलिए अब देखिए मैं बता दूँ कि अनलिमिटेड ट्रैफिक कैसे लाना है आपको ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं करना होगा, ये WP ऑटोमेटिक प्लगइन मैंने यूज़ किया हुआ है ठीक है। आप चाहे मैनुअली कर सकते हैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे YouTube पे, एज यू कैन सी ये आगे YouTube ओपन किया। YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके। ट्रैफिक लाने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब पे आके ऑटो पायलट गेट अनलिमिटेड ट्रैफिक बाय दीपक टेक हिंदी, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये सर्च करना है। मैं वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं इसलिए बता रहा हूँ ठीक है। ये वाली वीडियो आपको देख लेनी है ठीक है। ऑटो पायलट गेट अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको फेसबुक से अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है, अगर आप WP ऑटोमेटिक प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। तो ये हो गया ट्रैफिक का मैटर, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कैसे करना है इसका सोल्यूशन। देन चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आगे क्या करना है आपको। अब बात कर लेते हैं रीडायरेक्ट की, रीडायरेक्ट कैसे होगा। तो रीडायरेक्ट करने के लिए देखिए ये रहा मेरा मेन डोमेन ठीक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे मेन डोमेन पे, क्योंकि देखिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ बिकॉज मुझे हिंदी में भी आर्टिकल आपको दिखाना है ठीक है। जैसे कि देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो इस तरह से कि यहाँ पे क्रिएट कर रखा है हिंदी में। देखिए कोई भी इस पर क्लिक करेगा, जैसे कि पूरा आर्टिकल इंग्लिश में है ना, ये देख सकते हो टोटल का टोटल यहाँ पे। अब किसी को हिंदी में पढ़ना तो हिंदी पे क्लिक करेगा तो ये मेरे सब डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे देखते हो hindi.indianewsfast.in ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे सेम टू सेम वेबसाइट मैंने बना रखी है देख सकते हो, WP ऑटोमेटिक प्लगइन्स और एडसेंस के ऐड भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने दोबारा से अप्रूवल नहीं, मैं पहले बता दिया सब डोमेन पे अप्रूवल नहीं चाहिए, मेन डोमेन पे चाहिए ओनली ठीक है। तो देखिए नीचे आते हैं और देखिए पूरा ऐड आ रहा है और इस पूरे आर्टिकल हिंदी में देखने को मिलेंगे, तो कोई भी इसे आसानी से रीड कर सकता है। देख लिया आपने गाइस, तो इस तरह से आसानी से कोई भी इसे रीड कर सकता है। और चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप कैसे ये आप ये कैसे कर सकते हो ठीक है। तो गाइस पहले आपने यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ देखा था, हिंदी कैटेगरी, तो मैंने वो रिमूव कर दिया आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा था ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे पूरा आर्टिकल देख सकते हो इंग्लिश में मिलेगा। अब हिंदी यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ ताकि हिंदी में कोई इस ब्लॉग को पढ़ पाए ठीक है, इस वेबसाइट को, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन्हें। तो उसके लिए करना क्या होगा मुझे जाना, देखिए इंडिया न्यूज़ फास्ट डॉट इन ठीक है, ये मेरी मेन डोमेन है
उसके बाद जाना है मुझे यहाँ पे अपीयरेंस में, ठीक है। उसके बाद मेनू पे क्लिक करना है। जैसे आप मेनू पे क्लिक करोगे तो एक कैटेगरी आपके ओपन हो जाएगा, जो जो आपने बना रखे थे यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो, बहुत सारे कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी ऐड करना है, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पे देख सकते हो कस्टम लिंक पे आपको जाना है, ठीक है, देख सकते हो पोस्ट कैंप, ये WP ऑटोमेटिक का आपके में नहीं होगा, ये कैंपिंग का ऑप्शन में भी। तो ये कस्टम लिंक्स पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद लिंक टैक्स पे यहाँ पे मैं हिंदी दूंगा, ठीक है। तो मैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और टाइप करता हूँ हिंदी, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो टाइप किया, ये आ गया हिंदी, ओके। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज में एक मिनट चेंज कर लूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए URL पूछ रहा है, तो आपको कौन सा URL देना है दिखा देता हूँ आपका। ये जो सब डोमेन है ना जो आपने हिंदी में बना रखा है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से www.hindi.indianewsfast.in, ठीक है। इसे कंट्रोल से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल V, ओके। देन ऐड टू मेनू पे क्लिक कर देना आपको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे एक हिंदी नाम का एक कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है, ये लास्ट वहाँ आ गया ना। देन सेव मेनू पे क्लिक करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपको वेबसाइट रिफ्रेश करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए रिफ्रेश किया मैंने, अब जल्दी आ जा भाई, ओके। ये देखिए हिंदी आ गया ना यहाँ पे। तो इस तरह से आप हिंदी, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज चाहे यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। नीचे सब मेनू क्रिएट कर, जितने भी चाहे आप क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेनू वगैरह, ठीक है, हर एक कैटेगरीज के लिए। बट आपका वेब होस्टिंग होना चाहिए और इतने सारे डोमेन सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा डोमेन, मतलब एक अच्छी कंपनी से आप ले, ठीक है। मैं आपको नेमची भी रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज आपकी मर्ज़ी, चाहे कहीं से भी ले, ठीक है। तो ये देख सकते हो हिंदी में अभी यहाँ पे आर्टिकल सारे ओपन होंगे, कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए न्यूज़ वेबसाइट की तरह हो रही है, ठीक है। अगर आप मूवी बनाना चाहते हो तो movie.indianewsfast.in बना सकता हूँ, मैं चाहता हूँ अलग से, ठीक है, हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो देखिए हमें हिंदी में ओपन हो गया। तो इस तरह से बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट काम करती है, जैसा कि आपने देखा था ये सब डोमेन बना के, और हर एक डोमेन पर ट्रैफिक आता है, इससे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी, प्लस आपके जो मेन डोमेन पर ट्रैफिक आएगा ना जो है उससे रिडायरेक्ट होगा इस पे भी आएगा, ठीक है। तो आपका एक ही ट्रैफिक है लेकिन अलग अलग दोनों तरफ से ट्रैफिक मिल रहा है आपको, ठीक है। वही एक विजिटर जो आपके मेन वेबसाइट पे आया वो दोबारा से आपके दूसरे इसी सब डोमेन पे गया, ठीक है। तो एक ही विषय, एक जो विजिटर है वो डबल बार आ चुका है आपकी वेबसाइट पर, इसका मतलब तो इससे आपका ट्रैफिक भी डबल होगा। ये नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एडसेंस डिसेबल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो गाइस फिगर नॉट, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा होता तो बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट कब का उन पर एडसेंस जो अभी एड रन है वो भी कब के डिसेबल हो गए थे, ठीक है। वो लाख डॉलर से ज़्यादा पर मंथ कमा लेते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट से। तो ये था पूरा प्रोसेस गाइस इस वीडियो में, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑलवेज़।